नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट। मैं हूं आपके साथ बालकृष्ण। सियासत एक ऐसा समुद्र जिसमें एक बार कोई तैर गया तो समझो किनारा मुश्किल से ही मिलता है, लेकिन जब कोई भी इंसान आम से खास हो जाता है तो उसे तालाब को छोड़कर समुद्र में तैरना ही पसंद आने लगता है। कुछ इसी तरह की कहानी कई देश के दिग्गज नेताओं की है, जो पहले आम होने का दिखावा तो करते हैं लेकिन जब सत्ता का सियासी रंग उन पर चढ़ता है तो धीरे धीरे उन नेताओं की आम हरकतें खास होने लग जाती हैं। या यूं कहें, जनता के सामने तो वो आम होने का नाटक करते हैं लेकिन हकीकत शायद कुछ और ही होती है। सन 2014 का वो साल आपको याद होगा, जब दिल्ली की सियासत में नीली रंग की साधारण सी वैगनार कार की एंट्री हुई थी और उस कार में मौजूद थे नायक की मीडिया में नायक कहलाने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। लेकिन अब केजरीवाल का जिक्र हिमाचल प्रदेश की सियासत में तेजी से होने लगा है। विधानसभा में केजरीवाल के कार्यों के मुद्दे उठ रहे हैं और हिमाचल प्रदेश की सियासत में भी एक साधारण सी कार की एंट्री हो चुकी है। वो कार है मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की 20 साल पुरानी ऑल्टो कार। राजनीति में अक्सर कई दिग्गज और बड़े ओहदे पर बैठे नेता आम भी होते हैं। जरूरी नहीं कि हर कोई सिर्फ दिखावे की राजनीति ही करता हो, लेकिन सवाल यहाँ मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का है। वो इसलिए क्योंकि बजट सत्र के शुरुआत में जब सुक्खू अपनी ऑल्टो कार खुद चलाकर विधानसभा पहुंचे तो सबकी नजरें मुख्यमंत्री पर ही टिक गई। इसमें कोई दो राय नहीं कि मुख्यमंत्री सुक्खू एक साधारण परिवार से आते हैं और जमीन से जुड़े नेता रहे हैं। आज भले ही वो मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए हों, लेकिन वो आज भी आम इंसान के जैसे ही कार्य और मेहनत करते दिखते हैं। फिर चाहे वो गरीब जनता के कल्याण की बात हो या फिर खुद अपने निजी खाते से अपनी पूरी जमा पूंजी आपदा राहत कोष में दान करने का फैसला हो, हिमाचल का मीडिया व्यवस्था परिवर्तन वाले फैसलों को सुक्खू को नायक की भूमिका वाला मुख्यमंत्री बताता दिख जाता है। लेकिन जब सुक्खू अपनी ऑल्टो कार लेकर पहुंचते हैं तो आज उनकी तुलना दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से होने लग जाती है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर तो सुक्खू को केजरीवाल से जोड़ते दिख रहे हैं। उधर सोशल मीडिया पर भी मुख्यमंत्री सुक्खू ट्रोल होते दिख रहे हैं। सोशल मीडिया में सुक्खू की कार वाले पोस्ट पर लोगों ने जमकर चुटकी ली है। कोई उनको दिखावे वाला मुख्यमंत्री बोल रहा है तो कोई केजरीवाल की तुलना सुक्खू से कर रहा है। तरह तरह के कमेंट सोशल मीडिया पर आ रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या सुक्खू वाकई में अरविंद केजरीवाल के जैसे दिखने का प्रयास कर रहे हैं। सवाल ये भी है, क्या अरविंद केजरीवाल जिस तरह से पहले अपनी साधारण वैगनार कार में आते थे, क्या सुक्खू भी ऑल्टो कार में आकर दिखावा कर रहे हैं? फिलहाल सोशल मीडिया में सिर्फ सुक्खू के खिलाफ ही कमेंट्स नहीं आए हैं, बल्कि सुक्खू के पक्ष में भी कई लोगों ने कमेंट किए हैं। लेकिन जिस प्रकार से सोशल मीडिया से लेकर विधानसभा तक सुक्खू को अरविंद केजरीवाल से जोड़ा जा रहा है, उससे दोस्तों आपको क्या लगता है? क्या आप मानते हैं कि सुक्खू सिर्फ दिखावे की सियासत कर रहे हैं? आप अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।